कहते हैं कि अगर दिल में जज्बात हो और कुछ कर गुजरने की हो तो रास्ते कठिन नहीं होते, कहावत तो आपने बहुत सुना होगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आज कोरोना वायरस की महामारी सब झेल रहे हैं और लगातार हम आपको अपडेट करवा रहे हैं, तो यहीं पे कुछ समाजसेवी हैं, कुछ जय माता के से जुड़े हुए समाजसेवी हैं और कुछ दूध डेयरी का धंधा करते हैं, व्यवसाय करते हैं। इन लोगों ने ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ अनाज और सब्जी, तेल, धन की राशि की जरूरत इस समय नहीं है। मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आपके धन की आवश्यकता नहीं है, आपके सहयोग की अपेक्षा है। सहयोग की अपेक्षा है जिसमें रोज़मर्रा की खाने पीने की सामग्री है, ये आप वहाँ तक पहुँचा सकते हैं जिनको ज़रूरत है इस समय पर। तो लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिल रहा है और लोग बाग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं जय माता का वाले ने अनाज लेके आए हैं, सब्जी लेके आए हैं, तेल लेके आए हैं, सब कुछ लेके आए हैं। ये जय माता से जुड़े हुए संस्था से जुड़े हुए लोग हैं। और एक बात मैं भी बता दूँ कि बहरी में जय माता और जय गुरुदेव वाले जो संगठन वाले जो काम कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय काम है, वो घर घर तक पैकेट पहुंचा के पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ में जय माता वाले के सदस्य जुड़े हुए हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि सर इस मुसीबत की घड़ी में इस समय पर आप लोग बढ़ कर के आगे सामने आ रहे हैं और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। आपका शुभ नाम पहले बताएं। और मेरा नाम राजीव सोनी है, मैं भगवती मानव कल्याण संगठन का सक्रिय सदस्य हूँ। आज कोरोना वायरस की वजह से जो महामारी पूरे भारत देश में अभी तो नहीं पूरे विश्व में फैली हुई है, जिसके रोकथाम के लिए शासन द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, उसी के साथ कुछ जो गरीब और असहाय लोग हैं उनको उनके लिए कुछ न कुछ खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति के लिए आज भगवती मानव कल्याण संगठन कुछ खाद्य वस्तुओं जैसे सब्जी, तेल और अनाज को लेकर आज हम थाना प्रभारी महोदय के माध्यम से समस्त गरीब और असहायों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जय माता की। देखिए साफ तौर पर इनका उद्देश्य बहुत अच्छा रहा, बहुत सराहनीय रहा। आपका शुभ नाम कहाँ से है सर? मैं भारत प्रसाद पटेल, मैं भी भगवती मानव कल्याण संगठन का सक्रिय सदस्य हूँ, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का जिला प्रवक्ता भी हूँ। जैसा कि पूरा देश आज विश्व महामारी से जूझ रहा है, तो हम लोगों ने भी सोचा कि थोड़ी बहुत यदि समाज की मदद की जा सके, समाज से गुहार लगाई जा सके, अपील की जा सके कि जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, घर के अंदर रहें, बार बार अपने हाथों को धोते रहें और मास्क मुंह पर लगा कर रखें। हम लोगों ने कुछ मास्क भी वितरण करवाए हैं अपने ग्रामीण अंचल पर, ग्रामीण स्तर पर निःशुल्क भी वितरण करवाए हैं और थोड़ी बहुत शुल्क भी लगाकर जो जैसे लोग थे जो निःशुल्क के लायक थे निःशुल्क दिया, और जो कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज के जिन्होंने अपना अनुदान भी समाज को हमको दिया, और हम निःशुल्क मास्क बना पर लगा लगभग 250 से 300 मास्क हमने वितरण किए हैं। अभी भी जो भी हमारे पास पड़े हुए हैं उसको वितरण करवा रहे हैं, और अपेक्षा भी करता हूँ जिन किसी को चाहिए भी वो हमसे संपर्क करते हैं तो हम उन्हें निःशुल्क मास्क वितरण करवा सकते हैं। देखिए जिनको आवश्यकता है, साफ तौर पर इनका कहना है जिनको अगर आवश्यकता है तो आप जय माता वालों से संपर्क कर सकते हैं। अगर खाद्य सामग्री आपके पास में नहीं है या कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ में ये देखिए ये रुद्रा डेयरी वाले ने अभी सामने आपको दिखाया तो वहाँ वितरण किया। पिपराहा गाँव वाले जो है अपनी स्वेच्छा से ये अनुदान यहाँ पे गल्ला भिजवाया है, जिसमें गेहूँ, चावल या आटा ऐसी सामग्री होंगे जो अब ये आ रहे थे तो उनके सामने उन्होंने भिजवाया, तो ये कहीं ना कहीं मानवता का प्रतीत होता है। तो क्या ये किसने भिजवाया है सर? ये सर मेरे गांव वालों ने, पिपराहा गांव वालों ने सारा ये सामग्री भिजवाया है ताकि यहाँ के जो भी फंसे हुए लोग हैं उनकी मदद हो सके, भोजन की पर्याप्त व्यवस्था हो सके, और यदि आगे भविष्य में जरूरत पड़ती है तो वो और भी इस तरह के कार्य के लिए तत्पर हैं। देखिए कहीं ना कहीं पर लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़ कर इस मुसीबत की घड़ी में सामने आ रहे हैं, और मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि इस विपदा की घड़ी पर हमें मानव धर्म निभाना चाहिए, हमें बढ़कर आगे आना चाहिए और जितना सहयोग हो सके उतना सहयोग करना चाहिए। आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर लोग थाने प्रांगण में आ रहे हैं, अपनी ज़रूरतमंद जितनी भी चीज़ें खाद्य सामग्री जो है वो यहाँ पर लाकर पहुँचा रहे हैं और भरसक ये प्रयास कर रहे हैं। साथ में ये भी आह्वान कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन का जो सरकार द्वारा बनाया गया है वो लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि लॉकडाउन अगर पालन अगर आप करेंगे तभी सोशल डिस्टेंसिंग बनाएंगे तभी हम इस कोरोना की युद्ध से लड़ सकते हैं और कोरोना को भगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा जरूरी यह है कि आप अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप कोई सामग्री भिजवाना चाहते हैं तो जैसे आपने देखा रुद्र डेयरी वाले आ रहे थे तो गांव वाले ने उनसे माध्यम से भिजवा दिया। जय माता संगठन वाले हैं, आप इनसे संपर्क करवा के अपनी सामग्री भिजवा सकते हैं, यहाँ तक पहुँच सकती है। ज़रूरतमंद लोगों को आवश्यकता जो पूर्ति करनी है अपने घर बैठे भी आप कर सकते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और ये 9वां दिन है लॉकडाउन का और पल पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तो बने रहें हमारे साथ पोल खोल पोस्ट के साथ, क्योंकि पोल खोल पोस्ट आपको रखे न्यूज में सबसे आगे।
चलते चलते एक चीज बोलना चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। साथ ही गूगल प्ले स्टोर में जाकर पोल पोल पोस्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करें जिससे नई अपडेट आपको तुरंत मिले। साथ ही आपको एक खुशखबरी देना चाहेंगे कि हमारा जो है FM रेडियो जल्द चालू होने जा रहा है। धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।